हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पेपर के द्वारा कंकाल तंत्र बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग को एक A4 साइज का व्हाइट पेपर जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हम लोग A4 साइज का एक व्हाइट पेपर, आप लोग देख सकते हैं ये व्हाइट पेपर है, इसको हम लोग लेंगे और इसको कुल 8 हिस्सा में बांटेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बार बीचों बीच इस तरह से हम लोग मोड़ेंगे किनारों को मिलाते हुए, फिर एक बार बीचों बीच इधर से भी मोड़ेंगे किनारों को मिलाते हुए, और एक बार इसको इस तरह से कुल 3 बार हम लोग इसको फोल्ड करेंगे और खोल के देखेंगे तो ये कुल 8 हिस्सा में इस तरह बटा हुआ रहेगा। अब ये 8ों हिस्सा को हम लोग अलग कर लेंगे। इसको कैंची के द्वारा भी हम लोग काट सकते हैं और नहीं तो अच्छी तरह से फोल्ड करके हम लोग इसको हाथ से भी फाड़ सकते हैं। ये 2 हिस्सा हो गया, इसको बीच से फाड़ेंगे। जितने फोल्ड बने हुए हैं सारे जगह से हम लोग इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से इसको अलग अलग करेंगे। ये 2 हिस्सा हो चुका है, उसी तरह से ये 2 और 2 4 हो चुकी है। फिर इसको बीच से हम लोग फोल्ड कर किए थे और इसको फाड़े हैं। ये हो चुका है, उसी तरह ये अंतिम इस तरह आप देख सकते हैं ये कुल मिलाकर 8 छोटे छोटे आयत बन चुके हैं। पहला आयत को हम लोग चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे और आधे आधा हिस्सा इस तरह से बांटेंगे, फोल्ड करेंगे चौड़ाई के अनुदिश, और इससे हम लोग बनाएंगे हमारे शरीर का खोपड़ी, कंकाल तंत्र का खोपड़ी। इसको हम लोग कुछ इस तरह से पेन से ये कर लेंगे, दागी कर लेंगे ताकि हमारा काटने में आसान हो और एक सही आकृति हम लोग उसको दे सकें। देखिए ये कुछ पी के शेप में हम लोगों ने इस पर ड्राइंग किए हैं और इसको हम लोग इस तरह से काटेंगे। इसके बाद इसे हम लोग पी का जो मोटा वाला हिस्सा है उस जगह पर बीचों बीच एक होल बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पी का जो मोटा वाला हिस्सा है उसमें हम लोग बीच से उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर एक बार इधर से भी फोल्ड कर लेंगे ताकि उसका बीचों बीच वाला हिस्सा कोना में आ जाए और उस बंद वाले कोने को कैंची से काट देंगे। ये हमारा आँख का जो है ये बनेगा, हमारे कंकाल का खोपड़ी का जो आई सॉकेट होता है वो बनेगा। अब ठीक आँख के नीचे में एक त्रिभुज के आकार का कट करेंगे, एक समकोण त्रिभुज के आकार से यहाँ पर कट करेंगे और उसके नीचे ये नोज के लिए नाक का बनेगा, उसके नीचे एक आयताकार फिर एक कट करेंगे और इसको हम लोग कैंची से काट करके हटा देंगे। ध्यान रखिएगा जो बंद वाला हिस्सा है उस तरफ से हम लोग इसको काट रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा खोपड़ी जो है बन चुका है, नोज है और मुंह है। इसके बाद दूसरा पेपर लेते हैं। दूसरा पेपर को हम लोग लंबाई के अनुदिश फोल्ड करके 2 हिस्सा में बांट लेंगे। 2 हिस्सा में बांट करके इसको बीचों बीच काट के अलग कर लेंगे लंबाई के अनुदिश। इससे हमारा शरीर का कंकाल तंत्र का बैक बोन अर्थात रीढ़ की हड्डी
बनेगी। इसे हम लोग कॉपी के नीचे इस तरह से चिपकाएंगे। ये हमारा रीढ़ की हड्डी है। अब ये दो पेपर का हम लोग यूज कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा पेपर लेते हैं। तीसरा पेपर से हम लोग इसके, आप देख सकते हैं, पहला पेपर से हम लोग इसको चौड़ाई के अनुसार फोल्ड करके कुछ इस तरह से ड्राइंग करके इसको काट दिए हैं। ये आई सॉकेट है, ये नोज है, ये माउथ है। इसके बाद दूसरा से लंबाई के अनुसार इसको दो हिस्सा में बांट दिए थे और बैक बोन अर्थात रीढ़ की हड्डी बनी थी। अब तीसरा पेपर को हम लोग इस तरह लिए हैं, इसको चौड़ाई के अनुसार दो बार मोड़ेंगे तो चार हिस्सा बनेगी। देख सकते हैं आप लोग, ये है, इसको ये था, इसको चौड़ाई के अनुदिश जो है दो हिस्सा में हम लोग मोड़ेंगे, फिर एक बार उसी दिशा में फोल्ड करेंगे। और जिधर से बंद है, आप देख सकते हैं इधर बंद है, इधर खुली है, तो बंद तरफ में हम लोग इसमें कुछ इस तरह का कट करेंगे, आधा से ज़्यादा। इससे हम लोग हमारे शरीर की पसलियों को बनाएंगे अर्थात रिब केज। हमारे शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती है। हम गिन करके भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक छोटा पेपर में एक मॉडल के तौर पर बना रहे हैं, इसलिए अभी हम गिनती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे गिन करके भी टोटल 12 जोड़ी पसलियों को दिखा सकते हैं। इस तरह एक कंघी के जैसा, जैसे कंघी में कट होता है उसी तरह का हम लोग इसमें कट किए हैं। और ऊपर से या नीचे से एक को छोड़ते हुए दूसरा को फाड़ करके हटा देंगे, फिर एक को रखेंगे, दूसरा को हटाएंगे, फिर एक रखेंगे उसके बाद वाला, इस तरह अल्टरनेटली एक एक तो फाड़ फाड़ के हम लोग उसको हटाते जाएंगे। इस तरह इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का आकृति दिखाई पड़ेगा। पूरी तरह से खोलेंगे तो ये रिब केज के शेप में आ जाएगा, अर्थात हमारे पसलियों के शेप में। इसे हम लोग रीढ़ की हड्डी के साथ यहाँ पर ही साट देंगे। ठीक है, ये चौथा, तीसरा पेपर हम लोगों ने यूज किया, कुछ इस तरह से डायग्राम बना के दिखाए हैं। ये बंद वाला आकृति बंद था, इधर खुला था, बंद तरफ से हम लोग कट करके अल्टरनेटिवली एक एक छोड़ते हुए हम लोग पेपर को हटा दिए हैं। अब खोले हैं तो ये रिब केज बन गया। अब ये चौथा पेपर से हम लोग बनाएंगे पेल्विस अर्थात कमर की हड्डी। इसमें हम लोग चौड़ाई के अनुसार इसको पहले बीच से फोल्ड करेंगे। अब देखिए ये हमारा पेपर है, इसको हम चौड़ाई के अनुदेश इसको हम लोग फोल्ड करेंगे पहले, और इसमें हम कुछ स्केच कर देते हैं ताकि आपको बनाने में आसान हो। कुछ इस तरह का तितली शेप में इसको हम लोग कट करेंगे, या बी शेप में हम कह सकते हैं इसको कट करेंगे। बी शेप में कुछ कट करेंगे, ऊपर का जो बी का ऊपर वाला हिस्सा है वो चौड़ा है और नीचे वाला थोड़ा पतला है। इसको हम लोग कैंची से काट करके कुछ तितली के शेप में इसको हम लोग ठीक है। अब हमको क्या करना है, बी का जो दो हिस्सा है ऊपर वाले हिस्से में भी बीच में एक होल बनाना है, और नीचे वाले जो मोटा हिस्सा है उसमें भी एक होल बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को दो भाग बीच से इस तरह से मोड़ेंगे और इधर से भी एक बार मोड़ेंगे। मोड़ करके जो कोना वाला हिस्सा है उसको काट के हटा देंगे, खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का कटेगा। फिर उसी तरह जो बीच का नीचे वाला जो मोटा हिस्सा है, चौड़ा हिस्सा, वहाँ भी एक कट करेंगे। उसके लिए भी इसको हम लोग बीच से इस तरह मोड़ेंगे
फिर एक बार इधर से मोड़ेंगे, मोड़ करके कोना वाला हिस्सा को काट के हटा देंगे। इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का शेप में आपको दिखाई पड़ेगी। इसको हम लोग देखिए कि किस तरह बैक बोन के निचले हिस्से में हम इसको काटेंगे। तो ये हमारा पेल्विस बन चुका है, कमर की हड्डी। अब हम लोग ये चार का यूज कर चुके हैं। अब ये पांचवा पेपर लेंगे जिसमें हाथ और पैर की ऊपर की हड्डियों को बनाएंगे। हाथ अर्थात कंधे से लेकर के केहनी तक और पैर मतलब कमर से लेकर के घुटने तक, इसमें की एक एक हड्डियां होती है। इसको लंबाई क्या होगी, केवल चार भाग में बांटना है। देखिए ये है, इसको लंबाई के अनुदिश पहले हम लोग एक बार मोड़े हैं, फिर एक बार और मोड़ लेंगे उसी दिशा में, और इस तरह से ये कुल चार हिस्सा में लंबाई के अनुदिश बढ़ जाएगा। उसको हम लोग कैंची से या हाथ से फाड़ लेंगे। ये हाथ और पैर की ऊपर की हड्डियां हैं, इसे हम कुछ इस तरह से पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हाथ और पैर की ऊपर की हड्डियां बन चुकी हैं। अब ये हम लोग छठा पेपर लेंगे, सिक्स पेपर। इसमें हम लोग हाथ और पैरों के नीचे की हड्डियों को बनाएंगे, अर्थात जिसमें हमारा केहनी से लेकर के कलाई तक जिसमें दो हड्डियां होती है, उसी तरह घुटना से लेकर के पैर तक एड़ी तक उसमें भी दो हड्डियां होती है, उसको हम लोग चौथे छठे पेपर से बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लंबाई के अनुदेश आठ हिस्सा में इसको पहले हम लोग फोल्ड करेंगे। ये एक बार फोल्ड किए तो दो पार्ट बना, फिर एक बार फोल्ड किए तो ये चार हिस्सा हो चुका है। एक बार और फोल्ड कर लेंगे लंबाई के अनुदेश ही, तो ये आठ हिस्सा में लंबाई के अनुदेश फोल्ड हो चुका है। ये बंद है, हम बंद वाले हिस्से में एक पतला सा पेपर का कटिंग करके उसको निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, खोल करके इसको चार हिस्सा में हम लोग बांट लेंगे। यहाँ से काटेंगे तो ये दो दो हिस्सा अलग होगी चुका है। इसको भी खोलेंगे तो इसमें भी दो हिस्सा है। इसको भी बीच से हम लोग काट लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं टोटल चार जो है हड्डियां बन चुकी हैं। इसको हम लोग हाथ और पैर के जो निचली हड्डियां हैं, ऊपर की हड्डियां हैं, उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक टूटेगा, एक पैर में टूटेगा, इस तरह हाथ और पैर के नीचे की हड्डियां भी बन चुकी हैं। आप जानते होंगे कि ये हमारा केहनी और कलाई के बीच में दो हड्डियां होती हैं, उसी तरह घुटना और एड़ी के बीच में भी दो हड्डियां होती हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो पेपर बचे हुए हैं। दो में से पहला जो सातवां पेपर है, इसे हम लोग हाथों की उंगलियों को बनाएंगे और आठवां से पैर की उंगलियों को बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे आप देख सकते हैं, इसको चौड़ाई और ऊंचाई जिसको दो हिस्सा में पहले फोल्ड करेंगे और एक हाथ के सेप में, उंगलियों के सेप में, हथेली के सेप में इसको हम लोग काट करके अलग करेंगे। ये देखिए ये सातवां पेपर है, इसको चौड़ाई के अनुदिश ने फोल्ड किए हैं
इसके बाद इसमें एक हाथ के शेप में एक पहले ये हमारा अंगूठा बनेगा और ऊपर ये चार उंगलियां होगी और इसको हम लोग इस तरह से काट लेंगे। आप देखिएगा दोनों हाथ की उंगलियां एक साथ बनेगी। इसको खोलेंगे तो आप देखिएगा दो हाथ की उंगलियां बनेगी। इसको हम हाथ की जो निचली हड्डियां हैं उसके साथ काट देंगे। ये एक हाथ हो गया और ये दूसरा हाथ हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो एक ही पेपर बचा हुआ है इसलिए कि हमने सोना की उंगली पहले दो भाग में बांटेंगे और उसके बाद उसको हम लोग क्वेल के शेप में उंगलियों के शेप में हम लोग काटेंगे। देखिए आप ये पेपर है इसको हम लोग चौड़ाई के अनुदेश इस तरह से ये करेंगे और एक जूता के शेप में इसको हम लोग काटेंगे। और इस तरह से हम लोग इसको देखिए किस तरह आप देख सकते हैं इसको अलग कर देंगे तो ये पैर की उंगलियां बन जाएगी। इसे हम पैर की निचली हड्डियों के साथ काट देंगे। तो इस तरह से एक A4 साइज के द्वारा एक बहुत ही सुंदर मानव कंदा तंत्र हम लोग बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से, जिसमें हमारे शरीर की जो मुख्य हड्डियां हैं उसको हम लोग दिखा सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं हमने इसमें जो है एक पूरे शरीर के अंगों के नाम के साथ इसमें हमने लिखा है। ये स्कल है, ये रीब केज है, ये हाथ की जो ऊपर की हड्डी है ह्यूमेरस, हाथ के निचली हड्डियां दो होती है एक अल्ना दूसरा रेडियस, ये हमारा बैक बोन है, ये पैर की जांग हड्डी अर्थात कमर से घुटने की हड्डी जो हमारे सबसे लंबी हड्डी होती है जिसको फेमस करते हैं, और घुटने से लेकर के ये भी तक के बीच के दो हड्डियाँ होती है टीबिया और फिबुला, और ये है हमारा कमर की हड्डी। तो इस तरह से हम लोग A4 साइज के द्वारा एक बहुत ही सुंदर बहुत आसान तरीके से कंकाल तंत्र को बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग भी इसे बनाइएगा और अच्छी तरह से उसका नामांकन भी कीजिएगा। धन्यवाद।